रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि हम सबको अपने ज़मान में रखें। आज हम एक बहुत ही आसानी से बनने वाली मिठाई बना रहे हैं। इसके लिए ना हमें चूल्हा जलाने की ज़रूरत है, और जल्दी से आसानी से और झटपट तैयार हो जाती है। को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच जाए। वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो आपने पूरी देखनी है ताकि स्टेप बाई स्टेप सारा प्रोसीजर आप फॉलो कर सकें और आपकी रेसिपी अच्छी सी तैयार हो जाए। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने 1 कप डेसिकेटेड पिसा हुआ नारियल लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूखा दूध 3/4 कप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई सा भी आप खुशक दूध ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। और इसमें हम शामिल करेंगे कंडेंस मिल्क। 1/2 कप कंडेंस मिल्क है, वो आपके अपने पसंद है, आप घर में बना के यूज़ करें या बाहर से लाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप चाहें तो इसमें आप पिसी हुई छोटी इलायची भी शामिल कर सकते हैं अगर आपके बच्चों को पसंद हो। मैं नहीं डाल रही, मैं इसके बगैर बना रही हूँ। नारियल वैसे भी बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। इसके 2 इक्वल हिस्से कर लेने हैं। एक हिस्सा हमने सादा रखना है, इसके अंदर हमने पिसे हुए नट्स शामिल करने हैं 2 टेबलस्पून। ये देखिए, ये मैंने बादाम काट के रखे हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 और ये पिस्ते काटे हुए हैं, 2 टेबलस्पून नट्स के शामिल किए हैं। जो नट्स हैं वो अपने पसंद से डाल सकते हैं। अगर आपको पिस्ते नहीं पसंद तो आप काजू या अखरोट वगैरह वो चीज़ें शामिल कर सकते हैं। अब इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। इसके अंदर थोड़ा सा फूड कलर शामिल करना है। इसमें हम ग्रीन कलर डाल रहे हैं, कलर आप अपने पसंद से शामिल कर सकते हैं। ये देखें, ये सारा कलर हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब एक बटर पेपर बिछाना है, उसको ग्रीस कर लें। बटर पेपर बिछा के इसको हमें ग्रीस कर लेना है। ये जो हमारी सादी डो है नट्स वाली, इसको रोल कर लें। ऐसे इसको ट्रायंगल शेप दे लेनी है। ये ट्रायंगल शेप आ गई है। आप इसको यूँ फोल्ड करके इसको हमने फ्रीजर में 5 मिनट के लिए रखना है ताकि ये अच्छा सा सेट हो जाए, ज़रा हार्ड हो जाए। पेपर को हमने ग्रीस कर लिया और ये सादी वाली डो इसके ऊपर हमने रखी है। ये इसको बेलन की मदद से आसानी से आप बेल लें। ये देखें, ये बेलन की मदद से हमने इसको बेल लिया है। ये देखें, इसको हमने 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखा है और ये अच्छा सा सेट हो गया है। ये साइडों से इसको कट कर देना है। इसको यूं ऐसे फोल्ड करें और ग्रीन वाला वो जो सारा इसके ऊपर लग जाए, यूं ऐसे दबाएं इसको। ये जो पेपर है इसको आहिस्ता से नीचे कर दें। ये ऊपर से इसको हाथ से सेट कर दें। ये जो वाइट हिस्सा, ये सारा कवर हो जाए। अब इसको हम फ्रीज़र में रखेंगे तो ये अच्छी तरह जम जाएगा और सेट हो जाएगा।
ये तकरीबन इसको हमने 15 से 20 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखना है ताकि ये अच्छी तरह सेट हो जाए, फिर इसकी कटिंग करके आपको दिखाते हैं। ये तकरीबन 20 मिनट इसको हमने फ्रीज़र में रखा है और ये देखिए ये हमारा अच्छा सा हार्ड हो गया, जम गया। ये सारा जो रैपर है ये ऊपर से उतार लेने हैं, बटर पेपर। ये थोड़े से ड्राई फ्रूट इसके ऊपर डाल दें, थोड़े से पिस्ते और थोड़े से बादाम। ये जो तेज छुरी है उससे आपने इसको काट लेना यू ऐसे स्लाइस। ये देखिए ये बहुत सॉफ्ट और मज़े की बनी है, आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अच्छा जी, अब इजाज़त दें, नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।